20 से 25 मादा जड़ के बीच एक नर का जड़ लगा। नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम है सुशील भोई और स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल भोई एग्री पर। तो आज की इस वीडियो में हम परवल की फसल की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और इससे पहले भी इस वीडियो का पहला पार्ट YouTube पर अपलोड हो चुका है, तो इसे भी एक बार जरूर देखें, जिसमें परवल की फसल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई गई है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की, कि परवल की फसल किस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो परवल की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ होती है और इसे आप सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि जहाँ आप परवल का फसल लगा रहे हैं उस खेत या उस जमीन पर पानी का जमाव ना हो, अर्थात पानी निकालने की सुविधा अच्छी हो। आप देख सकते हैं हम किस प्रकार इसके लिए एक नाली बनाए हुए हैं, जो सीधे खेत पर उतरता है। इसे दो प्रकार से उगाया जाता है। पहला होता है ये बीज के माध्यम से, जो पके हुए परवल के बीज को निकाल कर इसे अंकुरित करके लगाया जाता है। और दूसरा होता है ये जड़ के माध्यम से, जिसे आप फसल का मूल या इसे कांदा भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कांदे से ही इसकी परवल की फसल लगाई जाती है और जड़ बीज का जो माध्यम होता है उतना सक्सेस नहीं होता जितना कि ये जड़ होता है। बीज जो है दुकान से आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इसका मूल जो है जड़, ये उसी के पास मिलेगा जो पहले से लगाया हुआ है। सबसे पहले तो आप उनकी जड़ों को चिन्हांकित कर दें कि कौन सा जड़ नर है और कौन सा जड़ मादा, और उसके बाद परवल की फसल जो है लगाएं। आप देख सकते हैं ये होता है मादा जड़ का पौधा, जिसमें फल आते हैं और ये होता है नर जड़ का पौधा, जिसमें सिर्फ फूल ही आते हैं। और इसे आप किस प्रकार से लगाएं आपको हम बताएंगे। तो लगाते समय आप यह ध्यान रखें कि आप 20 से 25 मादा जड़ के बीच एक नर का जड़ लगाएं, जिससे कि सब में संतुलन बना रहे और परवल की पैदावार अच्छी हो सके। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि परवल की फसल की रोपाई कैसे करें। तो परवल की फसल की रोपाई हम इस लाइन के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक फीट गड्ढा लंबा लाइन बना लें, जैसे कि ये लाइन है, आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी चढ़ाई हुई है। तो सबसे पहले आप एक फीट गड्ढा लंबा लाइन बनाएं और उस लाइन में आपको जहां पर परवल की फसल, जहां उसकी जड़ को लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने लगाई हुई है परवल की फसल की जड़, और एक जड़ यहाँ लगाई हुई है। तो जो जड़ों की जो दूरी है वो एक फीट होनी चाहिए और इसे आप आधे फीट की गहराई में लगाएं, ताकि जो पौधे की जड़ें जो है वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से पकड़ बना सके और बीज इसकी जो अंकुरण हो वो जल्दी हो सके, जिससे कि पौधा जल्दी फल फूल सके और इसकी पैदावार अच्छी हो। अब बात करेंगे खाद की, कि परवल की फसल में किस प्रकार की खाद डालें। तो आप जब रोपाई करते समय परवल की फसल में सभी गड्ढे में आप गोबर का खाद डालें और DAP भी डाल सकते हैं, DAP या ग्रोमर देके इसकी रोपाई करें। और पहली बार जब इस पर मिट्टी चढ़ाएं
तो आप DAP पोटास सुपर देकर चढ़ाएं, जिससे कि ये जल्दी इसकी लताएं फैल सके और पैदावार अच्छी हो सके। तो इसमें साल भर में 4-5 बार मिट्टी चढ़ाना पड़ता है और खाद भी अच्छा डालना पड़ता है परवल की फसल में। आप जितनी बार भी मिट्टी चढ़ाएं, एक ही खाद का उपयोग न करें, खाद को बदलते जाएं और इसके डोज को भी बदलते जाएं। और याद रखें कि गोबर का खाद मिट्टी चढ़ाते समय अवश्य डालें, क्योंकि ये गोबर का खाद जो है परवल के फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे ज़्यादा फल बड़े बड़े होते हैं और इसकी लताएं भी फैलने में ये मदद करती है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि परवल की फसल की जो लताएं हैं इसको कैसे चढ़ाएं। तो हमारे यहाँ बांस का उपयोग किया जाता है अधिकतर। देखिए, आप देख सकते हैं हमने ज़्यादातर बांस का उपयोग किया है। और बांस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक रहता है और पौधे को, जिसकी जो लताएं हैं, इसको ज़्यादा हिलने भी नहीं देता और ये काफ़ी मजबूत होता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बांस और धागे का उपयोग करते हैं और कुछ लोग जाल का भी उपयोग करते हैं परवल की फसल लगाने में। तो उसमें इस तरीके से पैदावार नहीं हो पाती जैसा कि इस बांस के माध्यम से होता है। हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप बांस में ही लगाएं। आपके पास जो सुविधा हो, जाल या धागा, उससे भी लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छी पैदावार होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह खेती बाड़ी से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।